हाँ जी, उठ गए सब? तो आज हमें करने हैं बहुत सारे काम। तो सबसे पहले तो भराना है नकुल की बाइक में पेट्रोल। नकुल, तू और तेरी बाइक ना हमेशा बेइज्जती कराया करो। पेट्रोल भराने के बाद हम मारेंगे हाईवे का एक छोटा सा चक्कर। हाईवे पे चक्कर मारने के बाद हम जाएंगे घर, ताकि घर आके देख सकें अपने प्लांट्स। ये प्लांट नहीं है, इसने बेबीज दिए हैं, तो हो सकता है आज मैं तुम्हें इसके बेबी से भी मिलाऊं। अब प्लांट्स को देखने के बाद दिन का सबसे ख़राब तो नहीं कहूँगा बट बोरिंग टाइम, 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास हो गई है ख़त्म, थक गए यार। पर अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। मुझे लग रहा था वीडियो थोड़ी सी तेज़ चल रही है, इसलिए अब थोड़ा सा हमें स्लो होना पड़ेगा, बिकॉज मेन पार्ट क्या है, मेरे एनिमल्स। ये सारी अलग अलग एरिया है, एक नहीं है। तो एनिमल्स की वैरायटी तो आपने देख ही ली है। अब इससे पहले मुझे कोई क्वेश्चन पूछे कि तूने इतने सारे एनिमल्स खरीदे हैं, उनको पेट बनाया है या क्यों रखा है, या ऐसे या वैसे या जो भी है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा आपको एनिमल्स जहाँ वो रहते हैं वहाँ दिखाते हुए, ताकि उन सबका घर भी आप देख लो और मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी भी बता दूंगा सारे एनिमल्स की, बिकॉज सारे मेरे पेट्स नहीं, कुछ रेस्क्यूड भी हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने स्क्विरल बेबीज के प्लेइंग एरिया पे। तो ये जो कपड़े दिख रहे हैं तुम्हें और ये जो मैट वाला एरिया सारा, यहाँ और इस पर्दे पे और वो ऊपर रेलिंग पे हमारे स्क्विरल बेबीज पूरा दिन खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं। और एक कमाल की चीज़, ये जो वुड कटी हुई दिख रही है तुम्हें सारी, ये पूरा फ्रेम ये लगा लो हमारे स्क्विरल बेबीज का टॉय है। अब आते हैं उनके घर पे। तो ऊपर चढ़ के अलमारी पे है हमारे स्क्विरल बेबीज का घर, ये रहा उनका पिंजरा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी ना कि मैंने इन स्क्विरल बेबीज को कैसे रेस्क्यू करा था, वो एक बार जाके देखो, तुम्हें आई बटन पे अभी फ्लैश हो रही होगी। तो यहाँ पे, जी हाँ, यही है वो घर जो आपने उनके बचपन में देखा था। यहाँ पे हमारे स्क्विरल बेबीज सोते हैं, यह उनका बेडिंग एरिया है। और जो पीछे वो प्लेट दिख रही है वाइट वाली है, उसके दूध की प्लेट,
और वो मिट्टी वाली है उनके खाने की प्लेट। पर यार तुम पूछोगे कि स्क्विरल बेबीज का घर तो दिखा दे, पर स्क्विरल बेबीज का है तो तुम्हें मिलाते हैं सबसे पहले। कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, अरे यहाँ भी नहीं है वो रहा। ये देखो, पर भाग गया, मतलब पर्दे में तो ऐसे भागते रहते हैं ना पूरे दिन। ये देखो भाग रहा है बस इधर उधर, वो रहा। तो ये आ गया बच्चा दोबारा घर में अपने, और अब मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ। यार तुम तो गैस भी नहीं कर पाओगे, अब इतने बड़े हो गए हैं कि कौन सा चुन्नू है और कौन सा मुन्नू है और गुन्नू कौन सा है। तो ये है हमारा स्क्विरल बेबी जो कि अब सपोजिटली बड़ा हो गया है काफ़ी जल्दी, और पूरा दिन इधर उधर भागते रहता है। वो देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये बैठा हुआ है दूसरे वाला, और तीसरे वाला लिटरली मैं नहीं बता सकता कहाँ पे है। नेक्स्ट एनिमल पैरट्स। तो ये है हमारे पैरट्स के पिंजरे, और ये है हमारे जियो भैया जिनको कैमरे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। कैमरा हो जाए मोबाइल हो, दोनों की तरफ भागते हो जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये जो शैतान बच्चा है ना, ये है टियो, ये हमारा रेस्क्यूड पैरट। ये मिला था पापा को ऑफिस से आते समय जब इस पर क्रोन अटैक करा था, और अब इसको भी 3-4 साल हो गए हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली इसके जो पंख थे वो क्रोन ऐसे नोचे कि वो ठीक ही नहीं हुए, और अब वो उड़ नहीं सकता बेचारा। तो तुम ये मत सोचना कि ये पूरे दिन ऐसे पिंजरे में बैठे रहते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं अपने पैरेट्स को फ्री बर्ड्स बनाऊंगा, जो कि फ्री बर्ड्स वो होते हैं जो आप खुला छोड़ो और वो उड़ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेनिंग हम नहीं दे पाए इनको। बट हाँ, घर में हम खुला छोड़ते हैं और वो इधर उधर भी उड़ते हैं, तो पिंजरे वाला कोई सीन नहीं है। एक जगह और है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जहाँ मैं इनको लेके जाता हूँ। अच्छा, अब इससे पहले तुम पूछो कि मैं रियो टियो को कहाँ लेके गया हूँ, मैं तुम्हें खुद ही दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये है हमारा एनिमल्स का रेस्क्यू हाउस। ये तुम देख रहे हो सारा, जितनी भी जाली है आसपास, ये शीट पोल्स के साथ लगाई, ये प्लास्टिक शीट और ये ईंटें, ये पूरा स्ट्रक्चर। सारा तो नहीं बट इसका जो मेजर फ्रेमवर्क था ये तैयार किया था तुम्हारे भाई ने, आई गेस 9th क्लास में, 4 दिन में लग के ये पूरा घर बना था स्पेसिफिकली हमारे रेस्क्यूड पिजन्स के लिए। और रेस्क्यूड पिजन्स हैं ऐसे ब्लैक कलर के। तो अब तुम पूछोगे यार कि तू ये ब्लैक कलर के पिजन्स कहाँ से ले आया। तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये हैं पाकिस्तानी रेड आइड ब्लैक पिजन्स, और ये पापा को मिले। तो मेरे पापा के डिपार्टमेंट में जो लोग थे उनको पता था कि हम ऐसे एनिमल्स वगैरह की थोड़ी बहुत केयर करते हैं और उनको रेस्क्यू भी करते हैं। तो पापा को किसी बंदे ने बोला कि आप इनको ले जा सकते हो तो ले जाओ। और बस 9th क्लास में मेरे पास आए थे कुछ 6 पिजन्स, बीच में इनके बाद ही कुछ 20 हो गई थी। फिर हमें इनको धीरे धीरे रेस्क्यू होम्स में देते गए ताकि हमारे यहाँ पर कंट्रोल्ड पॉपुलेशन रहे इन पिजन्स की। तो ये देखो तुम कुछ इनके सीन्स। और इन सब के बीच हमारे पास कुछ रेस्क्यूड पिजन्स भी हैं। ये वो जगह है जहाँ पे रियो टियो को बीच बीच में खोल देते हैं। ये देखो कैसे मज़े में आराम से बैठे हैं रियो टियो। एक्चुअली ये एक चीज़ है जहाँ पे ये खुल के फ्लाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा,
ऑब्वियसली घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो घर के अंदर और ज़्यादा अच्छे से खुलते हैं, बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स लगे हैं, एयर सर्कुलेशन होती है चारों साइड से, इनफैक्ट बस सामने वाली साइड से थोड़ा सा बंद है। और ये देखो रियो भैया आपके कैसे मुंडी हिला रहे हैं अपने ऊपर नीचे कैमरे को देख के, और ये कैमरे की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये टीओ भैया, ये तो रियो के साथ ही ज़्यादा अटैच्ड है, हमारे साथ उतनी मस्तियाँ नहीं करता जितनी रियो के साथ करता है। तुम्हें मिलाते हैं मेरी लाइफ के सबसे पहले मेहमान से, वो हैं फिश, एक्चुअली फिशेस, क्योंकि ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इसलिए फिशेस। तो ये जो धारियों वाली है ये है टाइगर बार्ब, और ये जो गोल्डन एंड ऑरेंजिश स्टमक वाली है वो है रोज़ी बार्ब। मेरे पास ऐसे में दो वैरायटी ऑफ फिश हैं, जिसका ये टैंक है 1.5 लीटर का, नहीं एज इन 1.5 फीट का, सॉरी। फिश वास्तु के हिसाब से अच्छी मानी जाती है घर पे रखना, मोर ओवर मुझे फिश बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि हमें लगता है कि कोई ऐसा जानवर है जिसका ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होती, बट एक्चुअली में काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी समझदार है। आप खाना देते हो तो सारी ऊपर आती हैं, आपके हाथ के इशारों से आप इनको ट्रेन कर सकते हो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो इस वे में फिश बहुत ही मस्त है वाला। और यार देखो मतलब कितनी प्यारी सी नहीं लगती कि पूरे दिन ऐसे घूमती रहती हैं यहाँ पे। और ठीक है माना कि ऐसे पकड़ पकड़ के घर में रखना चाहिए, बट एक्चुअली आजकल सीन ये है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग इनके एक्वेरियम्स में ही होती हैं, और ये फिर एक्वेरियम्स में रह जाती हैं। घूम घुमा के बुरा ज़रूर लगता है कि वाइल्ड लाइफ ऐसे घर पे है, बट स्टिल इट वर्क्स। सेकंड कंटेस्टेंट हैं और स्पेशल वाले हमारे कछुए, ये हैं बबली पार्ट टू, और ये हमारा सबसे प्यारा बच्चा है। ये देखो सबसे समझदार, मतलब सोचने वाली बात है यार कि अरे फोकस हो जा भाई, सोचने वाली बात है कि कछुआ समझदार कैसे, पर सही पे जाना आपने, ये सारी चीज़ें समझता है। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये पूरे घर को पहचानता है, और इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे, और फिर ये अपनी मर्जी से पूरे घर में घूमता रहता है जहाँ इसको जाना होता है। इवन दो यहाँ पे ऐसे नीचे वाली जगह हैं जहाँ पे ये घुस सकता है, बट स्टिल ये घुसता नहीं है सारे कमरे में, कभी मेरे कमरे में जाता है, कभी ड्राइंग रूम में जाता है, कभी मम्मा पापा के कमरे में जाता है, घूमता रहता है, और फिर घूम घुमा के वापस हमारे पास आ जाता है। तो ये है हमारा कछुआ, और इसे हमारे पास 3 साल हो गए हैं छोटू को, और ये एक फीमेल है, फीमेल इनकी जनरली पूंछ की लेंथ से पता चलता है। और ये है इसका घर जो कि थोड़ा स्पेशली डिज़ाइन किया गया, जहाँ पे सूखी जगह भी है बास्किंग के लिए, लकड़ी है ताकि अच्छी ग्रिप बनी रहे और बिल्कुल सूखी रहे, पानी है ताकि पानी इसके लिए तैरने वाला ये पानी है, तो इसको हम बीच बीच में एक्वेरियम में डाल देते हैं जहाँ ये तैर लेता है। तो ये जो पानी है ये अब इसकी सोकिंग के लिए, यहाँ पे ये रिलैक्स करता है पूरा दिन, जब इसका मन करता है ये यहाँ सूखे में आ जाता है, और मैं ये बल्ब जला देता हूँ तो ये इसको पड़ जाता है। गर्मियों में हल्के वाला बल्ब होता है और सर्दियों में थोड़ा सा हाई वोल्टेज का होता है। उसके बाद इसके छुपने के लिए ये प्लास्टिक का गमला जिसमें छेद किया हुआ है, और इसके अंदर एक केव जैसी बन जाती है जहाँ ये घुस जाता है छुप जाता है। तो ये एक्चुअली एक प्लास्टिक का गमला था जिसको मैंने काट के इसकी केव जैसी बना दी, मोर ओवर इसके ऊपर ये लकड़ी का पीस लग जाता है तो ये इसके लिए एक अच्छे सा हाइडिंग स्पॉट हो जाता है, और मोर ओवर बस यही रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ और है मेरे पास कछुए के लिए, वो है ये घर। तो ये जो पिंजरा है यहाँ पे हम कछुए को धूप सेकने के लिए रखते हैं, तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी है और एक टूटा हुआ गमला है जहाँ पे वो जाके छुप जाता है, और ये गत्ते का पीस है जिस पे चढ़ के वो धूप सेकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कछुए को हफ्ते में एटलीस्ट 3 या 4 बार धूप सेका दें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बिकॉज काफ़ी नेसेसरी होता है इनके लिए धूप सेकना और विटामिन डी लेना, ताकि इनके शेल मजबूती से बने रहें और इनकी बोन्स भी ठीक रहें।
हाँ जी, तो ये था मेरे एनिमल्स का ब्लॉग। काम और भी पड़े हैं अभी, बट मुझे लगा यार कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और एक साथ इतना कंटेंट डाल देंगे तो भाई 7 दिन कंप्लीट कैसे करेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी ख़त्म करनी पड़ेगी मेरे को। इवन तो दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि वीडियो के लास्ट में हम क्या करते हैं, शाउट आउट करते हैं पॉजिटिव कमेंट वाले लोगों को, पर इस वीडियो में मैं किसी एक बंदे को शाउट आउट नहीं देना चाहता, मैं कुछ लोगों को शाउट आउट देना चाहता हूँ, और वो है नकुल नागरा, जतिन कुमार, अमृतांश चौधरी और समस ढींगरा। बिकॉज यार तुम लोग हमेशा मेरी वीडियो देखते हो, हर वीडियो पे कमेंट करते हो, तो इवन दो मैं कभी पॉजिटिव कमेंट में तुम्हारा नाम नहीं ले पाया अभी तक, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्पेशल मेंशन दूँ तुम लोगों को, बिकॉज तुम लोग मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। Until then, peace out.